पहले दोस्तों ऐसा बिक्स का डब्बा ले लेना है, यूएसबी केबल ले लेना है, देख सकते हो। उसके बाद 3.6 वोल्ट की बैटरी ले लेना है, एलईडी ले लेना रेड कलर की। उसके बाद डायोड और ट्रांजिस्टर 1K का, ये सब ले लेना दोस्तों, देख सकते हो। उसके बाद ये डायोड देख दो, ये बहुत अच्छा डायोड है, आपको चार्जर में भी मिल जाएगा, स्टेशनरी की दुकान पर भी मिल जाएगा, ख़राब चार्जर में। पहले इसको हम आराम से खोल लेना है, बहुत अच्छे से आराम से खोलना है इसको, मैंने खोल लिया है। अब हमें इसके अंदर शोल्डर करना है, आयरन करना है, जिसे होल करना है। ये बहुत इजीली से होल हो जाता है एकदम प्रॉपरली, ये होल हो गया है देख सकते हो। अब मैं आयरन को साइड में रख देता हूँ और ये जो यूएसबी केबल है इसे गोल घुमाकर इसको हमें बाहर निकाल लेना है, और जो वायर को मैंने साइड में कर लेना है। उसके बाद ये जो डायोड है जो आपको दिखाया, ये जो पॉजिटिव है पॉजिटिव में लगा देना, पॉजिटिव मतलब प्लस में लगा देना है घुमाकर, देख सकते हो मैंने गोल घुमा दे रहा हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, तो सकते हो वो माइनस है ये प्लस है, तो मैं यहाँ पर साइड में रख देते हैं। अब आयरन की मदद से हम जो ये वाला डब्बा है ढक्कन, इसके यहाँ पर होल कर लेंगे साइड में, जिससे हम एलईडी लगा सकें, रेड कलर की एलईडी। इसको ऐसे ही सेम लगा देना, दबा देने का है, ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। यहाँ पर ये लग गया प्रॉपरली, तो यहाँ पर इसको मैं दबा लेता हूँ, साइड में कर लेता हूँ। ये 1K का जो ट्रांजिस्टर है, इसको इसका कोई प्लस माइनस नहीं होता है, आप कहीं से भी इसे लगा सकते हो, कोई प्लस। पहले इसके अंदर मेरे पास आयरन नहीं है तो सोल्डिंग नहीं कर सकता, वायर लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर वायर सेट कर ले रहा हूँ पहले, तो मैंने वायर सेट कर लिया है दोस्तों, देख सकते हो। जो एलईडी का जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव साइड में सेट करना है, नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव मतलब प्लस में। तो इसका जो वायर है जो निकलेगा वहाँ से, वहाँ नहीं सेट करना है, पॉजिटिव में इसको सेट करना है, प्लस वाले में। तो मैंने यहाँ पर इसको साइड में रख के इसको अंदर की तरफ पहले लगा लेना है, सुपर ग्लू गन की मदद से पहले इसको अंदर सेट कर लेते हैं, जिससे कोई दिक्कत ना हो, वायर छूटे ना। तो मैं सुपर ग्लू गन की मदद से इसके अंदर लगा देता हूँ, इधर भी वायर डाल देता हूँ, ये इस साइड भी डाल देता हूँ, जिससे प्रॉपरली पकड़ ले। ये हमारा प्रॉपरली हो गया, सुपर ग्लू गन सूख गया है, बहुत अच्छे से लग गया है ये प्रॉपरली। अब हमें ये प्लस के अंदर लगाना है, उस साइड नहीं लगाना, प्लस में लगाना है। तो हमारा प्लस में वायर यहाँ पर कनेक्शन हो गया सेट, देख सकते हो बहुत अच्छे से। अब ये वायर को मैं बाहर कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से भी बाहर कर लेता हूँ, गोल घुमा लिया हूँ, देख सकते हो। अब यहाँ से भी एक होल करना है मेरे को सेम, तो मैंने एक होल कर लिया है, यहाँ पर पूरा प्रॉपरली होल हो गया है। तो हमें जो प्लस माइनस का एक वायर ले लेना है, दोनों को ज्वाइन करके यहाँ से हमें होल से निकाल लेना है बाहर, ये बहुत अच्छे से बाहर आ गया है। अब हमें इसके अंदर इसको कनेक्शन करना है, जो डायोड का जो ऊपर का माइनस का सिरा है हमें प्लस उसमें लगाना है, प्लस वाला वायर है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, इसको थोड़ा गोल गोल घुमा लेता हूँ, ये घुमाया, और यहाँ पर उसको मैं टाइट कर दे रहा हूँ, जिसे छूटे ना ये बहुत अच्छे से ले। और आपको मैं दिखा देता हूँ उसका कनेक्शन, देख सकते हो ये नीचे जो माइनस है वो माइनस क्यों ले जाता है, प्लस में लगा देना है। अब जो माइनस का जो सिंपल वायर बचा है उसको इसमें लगा देना है, इसमें कोई कुछ कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट लगा देना है गोल गोल गोल। उसके बाद एलईडी का जो माइनस वायर बचा है जो लास्ट, देख सकते हो मैं वायर घुमाया, ये एलईडी का जो माइनस वाला है ये उसमें कनेक्शन कर लेना है, सिंपल कनेक्शन हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हो अब ये वाला जो माइनस का एलईडी है वो माइनस वाले वायर में डालना है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं, सिंपल वायर है उसके अंदर कनेक्शन कर देना, बहुत अच्छे से कनेक्शन हो गया है, देख सकते हो। पहले अब इसके अंदर हम सुपर ग्लू गन डालेंगे, इसको मोड़ लेता हूँ यहाँ पर, इसको ऐसे ही रख देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसके अंदर। यहाँ पर थोड़ा मोड़ना पड़ेगा क्योंकि वायर खुले हैं, तो मैं सुपर ग्लू गन की मदद से पहले इसके अंदर चिपका लेता हूँ। तो एक साइड यहाँ पर डाल देता हूँ, एक इस साइड हो गया और एक इस साइड डाल देना है यहाँ पर दबा के, जिससे चिपके ना, और जो वायर निकाला हो बैटरी का उसमें भी चिपका देना है। ये चिपक गया बहुत अच्छे से सुपर ग्लू गन की मदद से, तो आप देख सकते हो मैं बहुत अच्छे तरह से लगा दिया है, आप भी घर बैठे बना सकते हो उसको, ये बहुत इजीली बन गया है। अब हमें इसके अंदर पहले बैटरी लगाता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ उसका आगे का। तो जो बैटरी का माइनस वाला सिरा है वो माइनस में लगाना है, देख सकते हो 3.6 वोल्ट की बैटरी है, मिनी बैटरी है, और प्लस के प्लस में लगा देना है। अब मैं इलेक्ट्रिक बोर्ड लेता हूँ, ये लिया बोर्ड, उसमें चार्जर लगा दिया, यूएसबी लगाया, देख सकते हो लाइट ब्लिंक करने लगी, मैं बंद कर दिया, देखो बंद कर दिया, बंद हो गया, अब चालू कर दिया, चालू हो गया। तो अब इसको मैं ढक्कन को वायर को मोड़ के इसके अंदर सेट करता हूँ, दबा देता हूँ, ये बंद कर दिया,
ये हमारी बैटरी अब चार्ज हो रही है। और यहाँ पर मैं मल्टीमीटर से आपको चेक करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो मैं 20 एम्पीयर पे किया हूँ, देख सकते हो, ये देखो चार वोल्टेज दिखा रहा है, यहाँ पर देख सकते हो प्रॉपरली चार्ज। इसको मैं वायर खोल लेता हूँ, अब आपको सिंगल दिखाता हूँ कितना वोल्टेज आ रहा है। ये इसके अंदर लगाया माइनस और उसके अंदर लगाया प्लस, देख सकते हो 4.75 आ रहा है, इतना वोल्टेज आ रहा है। उसके बाद मैंने वापस ज्वाइन कर दिया हूँ, मैं इसके अंदर वापस लगा लेता हूँ, देख सकते हो 4 वोल्टेज आ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना यार।